अपने सौ स्वागत करिए आज हेलो अपने सौ तुम्हें समय पाती गयो तुम्हारे कमर कमर सफोन कलर नु कमर हो के लीला कलर नु कमर हो के पीला कलर नु कमर हो त्रण कमर नी सामे आपनो तिरंगो आपनो पंजाबनो तिरंगो एनी सामे रहीने आपणे बधाए भेगा थईने आ कड़े त्रण कमर नी पांदळीओने एक्सपोज करवानी छे अने एटला माटे हुं आपने बधाने कहुं छुं के आओ हवे समय नी मर्यादा छे अपने वे अपना नेताश्री आ गया हेलो शैलेश भाई ने बता स्वागत मैं गया एट अपने वच्चे छू कि आपने बताने खबर कि गुजरात की स्थिति में कोरोना में आप शू भोग मोरबी नो ब्रिज तूटी गयो अपना बाळको भाई बहनों जे रीते मृत्यु पाम्या छे आखी आखी सरकार बदलवी पड़ी एवी स्थिति नु निर्माण थयु डबल एंजीन नी वात करे छे आ डबल एंजीन एमने एटला माटे राखवू पड्यु छे के एमनु गुजरात नु एंजीन बंद थई गयु छे आखी आखी सरकार बदलवी पड़ी छे ए एंजीन ने चालू करवा माटे माननीय वडाप्रधान दर दस दिवस से चार दिवस अपना गुजरात में रहे गाने गाम फरे अपना गुरु प्रधान गुजरात गुजरात में रहे आखा राज्य बदाज राज्य मुख्यमंत्री बदाज केन्द्र मंत्री आ बदाज गुजरात में रहे आम मशीन चालू करने प्रयत्न करे परंतु हूं तमने कहू छू कि आठमी तारीख पछी पर आ मशीन चालू थवानू नथी અને ગુજરાતની સરકાર બદલાઈ જવાની છે અને ગુજરાતની સરકાર 125 સાથે કોંગ્રેસની બનવાની છે અને કોઈ રોકી શકવાનું નથી સવાલ આપણને બધાને એમ થાય છે કે ક્યાં સુધી આપણે ચલાવવાનું ક્યાં સુધી આપણે ભોગવવાનું ચૂંટણીઓ આવે એટલે કોમ કોમ વચ્ચેના ઝઘડા થાય ચૂંટણીઓ આવે એટલે દેશ વિદેશની વાતો થાય મુદ્દાઓને ભટકાવવાની પ્રક્રિયા થાય અને એટલા માટે મિત્રો હવે સમયની માંગ છે આપ સૌ કોઈની પણ વાતમાં આવ્યા વગર વાદ વિવાદમાંથી બહાર નીકળીને ફક્ત અને ફક્ત કોંગ્રેસના પંજા સાથે રહો હું તમને વિશ્વાસ સાથે કહું છું એ આવતીકાલ તમારી અને તમારા બાળકો માટેની છે સાથીઓ જીસ ઘડી કા હમે ઇંતજાર થા વો ઘડી આ ચુકી હે હમારે બીચ કોંગ્રેસ પાર્ટી કે અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી રાજસ્થાન કે હમારે યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતજી हमारे बीच आ चुके हैं जोरदार तालियों से हम इनका आज कीर्तन सभा में स्वागत करते हैं साथियों जब तक हमारे नेता मंच पर आ नहीं जाते साथियों तालियां रुकनी नहीं चाहिए तालियां बजती रहनी चाहिए उन्हें पता चलना चाहिए कि हम इस बहरामपुरा की सरजमी पर आए हैं जोरदार तालियों से उनका यहां स्वागत करते हैं हमारे बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आ चुके हैं उनका जोरदार तालियों से यहां स्वागत करते हैं कुछ ही समय में हमारे नेता हम सभी के बीच डायस पर मौजूद रहेंगे साथियों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच आ चुके हैं सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों से आज की जनसभा में हम स्वागत करते हैं साथियों तालियां रुकनी नहीं चाहिए साथियों कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हमारे बीच आ चुके हैं साथियों जोरदार तालियों से आज की जनसभा में स्वागत करते हैं साथ ही गुजरात कांग्रेस के हमारे प्रभारी
रघु शर्मा जी भी मुख पर आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं साथियों। वचन मैं समझता हूँ एक से बढ़ के एक है,
आप निश्चिंत मांगे चले कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वचन खाली दिए नहीं है, वचन को निभाया जाएगा ये वादा हम करना चाहते हैं आपसे। ये कोई कम बात नहीं कहा, 1040 में समझे बचा गैस का और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिया गया है सरकार बनेगी तो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, आप 300 यूनिट फ्री बिजली करेंगे, किसानों कर्जे माफ करेंगे। इस प्रकार से 11 वचन है। राजस्थान की तरह 10 लाख का बीमा होगा फ्री के अंदर, पूरा स्वास्थ्य का इलाज आपका फ्री होगा। इस प्रकार से जो वचन दिए गए हैं तो बेरोजगारी भत्ता भी इसके अंदर है। तो मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने ही कहा कि आप जनता को पूछ के बनाओ मैनिफेस्टो, इसलिए घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र हो गया। आपको मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी और अमित शाह जी जो कैंप किए हुए हैं गुजरात के अंदर, इसके मायने क्या है? इतने घबरा गई बीजेपी कि पूरी तरह घर वीक में प्रधानमंत्री जी आते गए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, तो नमस क्यों आई? प्रधानमंत्री के नाम में बहुत बड़ा नाम होता है, पर क्योंकि 5 साल तक शासन एक कुशासन था, इस बार परिणाम 14 नंबर आ सकते हैं गुजरात के अंदर। ये सबको मालूम है कि कोरोना में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, समय पर इलाज तक नहीं हुआ, कितने लोग मारे गए शराब पी करके नकली, कोई कार्रवाई नहीं। अभी मोरनी के अंदर 135 लोग मारे गए, हमने मांग करी कि खाली आप तो इनकर मिटा दो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की रिटायर्ड जज की, तो कम से कम मालूम पड़े किसकी किस हिस्से पर लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो भविष्य में लोग डरते रहेंगे कि अगर लापरवाही करें तो दिए जा सकते हैं, कोई परवाह नहीं है। तो ऐसा कुशासन किस काम का, 27 साल से आप उनको मौका दे रहे हैं सरकार बनाने का, एक मौका कांग्रेस को दीजिए वापिस। ये मेरी मानवीय अपील है, आप देखेंगे बदलाव, आप देखेंगे कि सरकार किस तरह काम करती है हर तबके का। आज भयंकर यहां बेरोजगारी है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, महंगाई को लेके पूरे देश का मुद्दा है ये, महंगाई की मार भयंकर कमर तोड़ चुकी है लोगों की, भयंकर बेरोजगारी है, गुजरात में काम नहीं है, नौकरी लग नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कमजोर हो गया, यहाँ पर एमएसएमई भी बहुत कमजोर हो गया, और देश में शांति सद्भाव बना रहे और तनाव की स्थिति देश भर के अंदर है, हिंसा का माहौल है। 3 मुद्दों को लेकर राहुल गांधी का कार्रवाई चल पड़ा है, पूरे देश के लोगों में गांव गांव में घर घर के अंदर ये मैसेज है कि राहुल गांधी नाम का नौजवान बिना कोई स्वार्थ के उन मुद्दों को उठा रहा है जिससे पूरा देश ग्रसित है, और इसी बात को लेकर ये आपके बीजेपी नेता लोग घबरा गए हैं, चिंतित हुए हैं, और गुजरात अगर जीता हुआ चुनाव कांग्रेस को तो आप देखेंगे पूरे देश का भला होगा, ये चुनाव खाली गुजरात का नहीं है, पूरे देश के अंदर महंगाई कम होगी, सरकार समझ जाएगी केंद्र की कि महंगाई के कारण चुनाव आ रहे हैं गुजरात में, बेरोजगारी के कारण चुनाव आ रहे हैं और हिंसा का माहौल इसलिए चुनाव आ रहे हैं, तो सत्य जी सुधार करेंगे तो पूरे देश का भला होगा। यदि चुनाव इस बार आप थोड़ा झटका दीजिए बीजेपी को, शैलेश भाई को कामयाब करो, यही माहौल पूरे गुजरात में देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग बदलाव लाके रहेंगे। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं इंद्रा प्रतापी से विनती करूंगा कि वो आके इस माहौल को संभाले। मर्यादों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद जयरामपुरा के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओं और बहनों, मैं कुछ बोलने के लिए नहीं खड़ा हूं क्योंकि मैं कल शालम वाली सभा में आपसे 1 घंटे बातचीत कर चुका हूं, गुफ्तगू कर चुका हूं। मैं सिर्फ यहां इसलिए खड़ा हूं कि
कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है, आए हुए हैं, जिनके राजनीतिक व्यक्तित्व को और उनकी पूरी शख्सियत को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहां पर मौजूद हैं। अशोक साहिल का एक शेर है कि नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, सुगंध बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। एक ऐसी शख्सियत जिसने पिछले 50 साल में राजनीति को शुचिता और पवित्रता और ईमानदारी के साथ जिया और आज जीरो से अपना संघर्ष शुरू करके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके हमारे बीच में बैठे हैं। मैं गुजरात में पिछले 2 हफ्ते से चुनाव प्रचार में हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब यहां पे मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं आपसे सिर्फ 2 बात कहकर जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे बैजलपुर पहुंचना है एक सभा में। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी आपको जीतती दिखेगी, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। और खासतौर से दानी लिमड़ा की जो सीट है, पिछली बार आपने शैलेश भाई को 32,000 वोट से जिताया था। मैं चाहता हूं कि इस बार ये रिकॉर्ड टूटे, ये रिकॉर्ड और आगे जाए, कम से कम 50,000 वोट से शैलेश भाई को ये चुनाव जिताइए, क्योंकि ये जो पिछले 27 साल का कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, जो बदहाली है इस स्टेट की, उसका जवाब मांगिए इस सरकार से। गुजरात का विकास, गुजरात मॉडल, गुजरात के विकास का सच, जब हम गुजरात में घूम रहे हैं तब हमें इस मॉडल का सच समझ में आ रहा है। सच्चाई यह है कि यहाँ सड़कें इतनी खराब है गुजरात में कि आप यात्रा करिए तो पता चलता है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, इसका अंदाजा ही नहीं लग पाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहाँ पे हिलाने का पुल टूट जाता है। मोरबी में 135 से ज्यादा लाशें बिछी थी और हमारे प्रधानमंत्री जी दिन में 3 बार कपड़ा बदल करके उद्घाटन कर रहे थे सरकारी कार्यक्रमों के। मैं चाहता हूं कि गुजरात इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़े, वो आपको गुमराह करने की, बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी आपसे कह रही है कि उनसे सवाल करिए महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, उनसे सवाल करिए कि मोरबी के असली गुनहगार बाहर क्यों है, उनसे सवाल करिए कि बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है इस सूबे में। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि शैलेश भाई को जिताइए, कांग्रेस को जिताइए और आने वाले दिनों में यहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं एक बार फिर से अपने आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, अशोक गहलोत साहब का स्वागत करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से विनती करूंगा कि खड़गे साहब आप आइए और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे सभी लोगों को जनसभा संबंधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब। चुनावी सभा में इस मंच पर बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, यहाँ के उम्मीदवार शैलेश परमार जी, नासिर हुसैन जी, इमरान प्रतापगढ़ी जो अभी आपके सामने अपनी बातें रख के चले, कुसुम कुमार चौधरी जी, असलम शेख जी, गुरदीप सतपाल, विमल शाह और शाहजाद खान पठान और इस मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण
और यहां पर पधारे हुए मेरे भाइयों और दूर दूर खड़े होकर सुनने वाले मेरे बहनों, युवा मित्रों और माध्यम के मेरे दोस्तों, अभी तक आपने सभी की तकरीरें सुनी है और ये जो गुजरात का चुनाव हो रहा है इसके तरफ सभी का ध्यान है। सारे देश इस चुनाव के तरफ देख रहे हैं कि गुजरात के लोग सही फैसला लेंगे इस बार या नहीं, इसको देख रहे हैं। और इस बार लोग भी तय किए हैं कि किसी हालत में कांग्रेस पार्टी को हम जिता के रहेंगे, ये सब लोगों का इरादा गुजरात में बन गया है। ये क्यों आप पूछेंगे? इसीलिए अगर गुजरात बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होता और उनके लिए यहां जीतने का एक उनमें विश्वास होता तो आज मोदी साहब दिल्ली में जो केंद्र सरकार का काम करना चाहिए वहां बैठ के वो छोड़कर गुजरात के गलियों में नहीं फिरते थे। गुजरात के हर असेंबली सेगमेंट में जा रहे हैं, गुजरात के हर वार्ड में जा रहे हैं, शाह जा रहे, मोदी जी जा रहे, उनके साथ चार पांच चीफ मिनिस्टर लोग जा रहे और 40 से ज्यादा केंद्र मंत्री यहां है और सारे आजू बाजू के जहां पर भी बीजेपी की सरकार है सबको उन्होंने बुला लिया। ये क्यों? क्योंकि उनके पास, उनको ये मालूम हुआ लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं है, ये उनको दिख रहा है। अब जब आदमी घबराता है उस घबराहट में कुछ भी कह देता है और कुछ भी करता है, वही यहां पर हो रहा है। अगर उनको विश्वास होता तो ये काम नहीं करते थे, वो छोड़ देते थे। ये तो गुजरात का इलेक्शन है, यहां के लोग, उनके पार्टी के लोग भी काम करते हैं, हमारे पार्टी के लोग भी काम करते हैं, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड में है। हम लड़ते हैं, हमारे पास देहातों में बहुत दफा ऐसा होता है कि कुश्तियां खेलने जाते हैं, प्राइज रखते हैं, छोटा प्राइज रखते हैं, फिर बड़ा प्राइज रखते हैं, फिर सोने की खड़ा क्या बोलते हैं वो रखते हैं, लेकिन उसके हैसियत से वो लड़ाई होती है। अगर जो छोटे कुश्ती खेलना चाहता है वो अलग लड़ता है, अगर जो मध्यम स्थिति में वो अलग लड़ता है, और जो सोने की खड़े की कुश्ती करता है वो अलग रहता है। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं हर इसमें मोदी जी वही कुश्ती खेल रहे, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन आते हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव आते हैं, मोदी को वोट दो। अरे भाई, यहां तो हमारा कैंडिडेट शैलेश है, शैलेश के खिलाफ आपका कौन सा कैंडिडेट है उसका प्रचार करो, उसके नाम से वोट मांगो, वो सब छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दो। क्या मोदी आकर यहां के म्युनिसिपैलिटी के काम करने वाले हैं?
क्या मोदी आके आपके मुसीबत में मदद करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है वो काम करो, वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मुद्दे को मोदी को देखकर ओढ़ दो, भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉरपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भी, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या है? समझ नहीं आता। और अब काम पे वोट मांगो, हमको खुशी है कांग्रेस ने क्या नहीं किया क्या किया गिनते जाओ, हमारे उपलब्धियां हमने क्या दिया, जो भी इससे पहले 27 साल पहले आजादी के बाद हमने क्या किया वो भी गिनते न, आप आने के बाद क्या लोगों को दिया, कितना अमन इस देश में रखा, कैसा आज समाज को डिवाइड करने में आप लगे हुए हो वो भी देखो। तो काम तो वो कुछ बोलते नहीं, सिर्फ बीजेपी में जुमले हैं, और ये जुमले ऐसा बोलते हैं, एक झूठ झूठ के ऊपर झूठ। मैं तो कल या परसों किसी तकरीर में यही बोला, तो मोदी साहब तो झूठे वायदे करने में झूठों के बादशाह, क्योंकि वो बोलते ही जाते हैं, नौकरी ऐसा ही बोले 2 करोड़ नौकरियां दे तू, या अगर गुजरात में मिला है सालाना 2 करोड़ बोले तो मुझे मालूम नहीं, या मिला किसी को? और उस वक्त बोले काला धन मैं बाहर से लाऊंगा, 15 लाख एक एक को दूंगा, आपको मिला? अरे कम से कम गुजरात वालों को तो मिला होगा, कर्नाटक वालों को नहीं मिला, राजस्थान वालों को नहीं मिला होगा, क्योंकि वो हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं भारत, तो आपको तो देना चाहिए था ना, दिया नहीं? तो कितने जुमले ऐसे ही है। और उसके अलावा ये देखो, उद्घाटन करने की उनका बड़ा आदत है, कोई भी चीज कांग्रेस की तैयार की हुई उसको फिर चुना लगा के कलर लगा के उसका उद्घाटन करते हैं, और ये कहते हैं ये मेरा है, हर चीज को बोलते रहेंगे। इनका जन्म जब हुआ उससे पहले भी अगर कोई प्रोजेक्ट अहमदाबाद में हो गुजरात में हो अगर बना है तो उसको भी चुना और कलर लगा के बोलेंगे ये मेरा है। तो ये चीजें कितने दिन झूठ बोलेंगे, कितने वक्त बोलेंगे, कितने बार बोलेंगे, ये हमको बताओ। और हाल ही की घटना, अब छोटी सी इसमें प्रताप खड़े ने बता के चले गए, मोरबी पुल जो 123 लोगों की जान ली, कितने 137, कभी उधर झांक के भी नहीं देखे, लेकिन जब उसको ठीक कर देते हैं तो वो जाकर उद्घाटन कर देते हैं, ये भी उन्होंने उद्घाटन किया था शायद, उसके 5 दिन के बाद ही वो गिर गया।
रिनोवेशन, तो रिनोवेशन का भी वही करते हैं, रिपेयर का भी वही करते हैं, रेस्टोरेशन का भी वही करते हैं, हर चीज का इनॉग्रेशन करते हैं। किए 137 लोग मर चुके, कितना कंपेंसेशन उनको आपने दिया, कितने लोगों को जेल में डाला, कितने लोगों के ऊपर आपने FIR किया, क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया? क्या उनके वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर अमीर लोग आपके साथ हैं? उनको कहां पकड़ेंगे आप? तो कभी नहीं पकड़ेंगे आप उनको, और उनको प्रोत्साहन देंगे, नए नए काम देंगे। तो हालत मुरब्बे में जो लोग मर गए उनकी चिंता उनको नहीं है। नकली शराब इतनी बिकी जाती है यहां पर, लोग को पी पी के मर रहे, उधर उनका ख्याल नहीं, ध्यान नहीं है। ड्रग्स या गुजरात के पोर्ट से आ रहे हैं वो पकड़ रहे नहीं। ये सब सामान्य जनता, कॉमन मैन को उसके ऊपर असर पड़ रहा है, वो आप लो ध्यान नहीं आपका। और नौकरियों के लिए युवाओं को बोलते हैं कि जगह खाली है, भर्ती करना है तो पेपर पर्चे भरो। बहुत से लोग ये अपना एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन 22 बार पेपर लीक हो गए, 22 बार। और गुजरात में 4-5 लाख वैकेंसीज हैं, आप भर्ती नहीं कर रहे। अगर भर्ती करे उसमें कौन आएंगे? रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग जाएंगे, माइनॉरिटी के जाएंगे, बैकवर्ड के जाएंगे, ST के जाएंगे, उन सब लोगों को नौकरी नहीं देना। इसी के वजह से आज लोग, आज जो 5 लाख वैकेंसी गुजरात में है वो भर्ती नहीं कर रहे। पूरे देश में 30 लाख वैकेंसीज हैं, कितने? 30 लाख, वो रेलवेज में हो, पोस्ट में हो, टीचर का हो, आर्मी में हो, सिविल आर्मी में हो, ये सब का अगर आप मायजा लिए तो कम से कम 30 लाख वैकेंसीज है। और आप तो एक आठ दिन पहले, एक महीना पहले एक बार देखा पेपर, शू गुजरात में दिए, कहा दिए मुझे मालूम नहीं, वो मैं टीवी में देखा, 75,000 नौकरियां गवर्नमेंट दे रही है, और उसके सर्टिफिकेट कौन बांट रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री? अरे भाई, जो काम एक क्लर्क कर सकता है, जो एक डिप्टी सेक्रेटरी कर सकता है, वो ऑर्डर भेजता है अपॉइंटमेंट के, आपकी जरूरत है उसके लिए। आप पहले ये जवाब दो, पहले आप नए नौकरियां तुम देने का वायदा किए थे वो छोड़िए, लेकिन 30 लाख वैकेंसीज क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि अगर 30 लाख वैकेंसीज भरे तो इसमें कम से कम 16 लाख वैकेंसी गरीबों को मिलेगा। वो नहीं चाहते ये भरने के लिए, वो नहीं चाहते कि SC ST लोग को भरने के लिए, वो नहीं चाहते कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नौकरी देने का। और ये हमको सिखा रहे हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, सब 70 साल में इन्होंने किए, पैदा होते ही सब काम शुरू ही किए डेवलपमेंट का। और थोड़ा तो इस देश को आजादी दिलाने में पार्टी के खिलाफ आप बात करते हो,
जो महात्मा गांधी जी गुजरात से आते हैं, सारी दुनिया आज उनकी तारीफ करती है। वो हमारे राष्ट्रपिता है, वो आजादी दिलाए, उनका याद नहीं करते, उनका याद अब कभी भी नहीं करते, लेकिन गोडसे का याद करने में आप कभी भूलते नहीं। आज यूपी में उन्हीं की सरकार है, वहां गोडसे की फोटो लगा के हार डालते हैं। गांधी जी को, नेहरू जी को गालियां देते हैं, लेकिन कभी आरएसएस बीजेपी गांधी जी की फोटो लगाकर अपने ऑफिस में पहले पूजा भी नहीं करती थी, याद भी नहीं करती थी, उधर देखती भी नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर को जो संविधान उन्होंने बनाया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी के आशीर्वाद से जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, उसके बारे में भी आप अलग बात करते हो। अंबेडकर को एक तरफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक तरफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरफ, सुभाष चंद्र बोस को एक तरफ, अरे हमारे सब लीडरों को अलग अलग करके लोगों में, युवाओं में धैर्य फैलाने का काम करते हैं। अरे आप अपनी बात करो, आपको हुकूमत यहां मिली 27 साल हो गए, और सेंटर में आपको प्रधानमंत्री का पद मिला, अब 9 साल से आप वहां हो। कम से कम यहां 13 साल उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे, सेंटर में आज 9 साल हो गए, 22 साल करीब करीब। अगर 22 साल में आप गुजरात को ठीक नहीं कर सकते, यहां के युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, यहां के इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते, गरीब लोगों को मिलने वाले चीजों का कीमत घटा नहीं सकते, पेट्रोल के दाम नहीं घटा सकते, डीजल के दाम नहीं घटा सकते, सिलेंडर के दाम घटा नहीं सकते, तो फिर काहे को आप वहां पर बैठे? क्यों बैठे भाई? सिर्फ ताने बजाने को? भाई और बहन, आप करके दिखाओ। इसीलिए तो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें से कई चीजें गहलोत साहब ने बताई, वो चीज हम करके दिखाएंगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था, सोनिया गांधी जी ने कहा था कि गरीबों को मैं भूखे मरने नहीं दूंगी, मैं फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर हरेक को पेट भरने के लिए मैं अनाज दूंगी, तो हमने दिया। जिसको काम नहीं है, नरेगा में काम देने का हमने काम किया। जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं या दूसरे स्कूल में जाते हैं, उनको वहां पर एजुकेशन ठीक नहीं मिलता था, तो कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाए। वो एक्ट लाने के बाद आज बहुत से बच्चों को एडमिशन्स मिल रहे हैं। इसी तरह से हमने हर चीज जो हमने वायदा किया था उसको निभाया। किसानों का कर्ज माफ करने का सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी मिलके 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया। आप क्या करो? कभी भी पूछे तो मैं बहुत कुछ किया, अभी कर सकता हूं। अरे बहुत कुछ दिखाओ तो सही, कौन से काम आपने किया? आज आप अगर आंकड़े देखेंगे, ह्यूमन इंडेक्स, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जो मानवीय सूचकांक,
मानो कूच कर करे उसमें तो मनुष्य के लिए करे हर बच्चों के लिए उनको पोषण जो किया जाता है, प्रोटीन जो मिलता है, सबसे कम अगर कहां मिलता है बच्चों को पौष्टिक आहार तो वो गुजरात में मिलता है कुपोषण का। आप देखिए इंडेक्स निकाल के कुछ ही अगर आए तो सबसे कम कदम के बच्चे अगर कहां पैदा हो रहे वो गुजरात में हो रहे और 28,000 टीचर्स वैकेंसी खाली है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे भाई। 20,000 क्लासरूम बन रहा है ये सब कुछ नहीं दे रहे। बात कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। कहा है भाई बुलेट ट्रेन आपकी? आप वायदा करके तो 6-7 साल हो गए, आपकी बुलेट ट्रेन अभी नहीं भाग रही। जो पैसे लाकर जनता की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, आज चंद लोगों के जेब में वो पैसा जा रहा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े कारखाने बनाए थे इस देश में, पब्लिक सेक्टर्स, एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाई थी, पोर्ट्स, ऐसे बहुत से चीजें हमने बनाई देश को एक रखने के लिए, देश के प्रगति के लिए, देश के उन्नति के लिए। बड़े बड़े कॉलेजेस खोले, एम्स जैसे सेंटर खोले, आईटीआई खोले, सब चीजें हमने की। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, एक एक करके अपने दोस्तों को बेच रहे हो। वो देश दोस्त लोग खाकर मोटे हो रहे हैं और बच्चे कुपोषण से दुबले हो रहे हैं, यही नीति है आपकी। तो इसलिए दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी को आप हुकूमत में लाइए, हमारा एक बार, हमको एक बार चांस दो। उनको तो 47 साल से आप देख रहे हो, हमको सिर्फ एक बार 47 साल के बाद तो एक बार चांस देखो। तो फिर हम आपको आज जो हमने कसम खाई है कि डेमोक्रेसी को टिकाने का, संविधान को बचाने का, सबको मिलकर चलने का, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, वो सब समाज को जोड़ने का, सब भाषाओं के लोगों को जोड़ने का, सब लोगों को जोड़कर कदम पे कदम डालकर आगे चलने का हम सिखाए। आप क्या सिखा रहे हो? लोगों को तोड़ने का। हम जोड़ने का सिखाते, आप तोड़ने का सिखाते, यही फर्क है आपके और। इसीलिए समय की कमी है और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। आपसे यही विनती करूंगा कि आप इस बार किसी हालत में घर में मत बैठिए। जिस दिन वोटिंग होती है घर घर फिर के ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराओ और कांग्रेस पार्टी के जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट है, इसको जिताओ। तो मैं ये कहूंगा, मैं हमेशा कहता, जब मैं इलेक्शन 72 में ठहरा था उस वक्त भी ये बात कही थी मैंने कि हमारे पास चर्चित है न जात पर न पात पर, बटन दबाओ हाथ पर, न जात पर न पंथ पर न धर्म पर,
ये सब भूल जाओ, लेकिन सब मिलके बटन हाथ पर बटन दबाओ और शैलेश को जिता के लाओ। शैलेश तारमा ने चौथी बार जीत के पांचवी बार जीतने वाला है, उसका नाम मालूम नहीं क्या उनको? सभी लोग जानते हैं तारमा को, तो इसलिए आप वो काम करेंगे। सबको मंजूर है? अरे इतना जोर से बोलो यारो, जो हमारे खिलाफ के लोग हैं वो नींद भी अगर कर रहे तो उठ के बाहर आओ, तो आप जिताएंगे। धन्यवाद। मैं बोलूंगा जय हिंद, आप बोलेंगे जय हिंद। मैं तीन बार बोलूंगा, आप भी बोलेंगे। मैं बोलूंगा कांग्रेस, बोले तो आप जिंदाबाद बोलेंगे। ये कह के मैं भाषण समाप्त कर लू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो मार्गदर्शन आपने यहाँ पर दानी लिमड़ा विधानसभा की जनता को दिया है, उसके लिए हम सभी आभारी रहेंगे।